फ्रेंड्स से वीडियो स्किप मत करना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। आप लोग मेरी बात आगे तक पहुंचाओ, और अगर मेरी वीडियो सही लगे तो यार प्लीज़ लाइक करना, और हो सके तो यार किसी एक की जान बचाने की कोशिश करना, हेल्प करना लोगों की, क्योंकि यार ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, बहुत छोटी सी लाइफ होती है यार, और कब क्या हो जाए कोई देखने नहीं बैठा यार, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। और फ्रेंड्स जब हम किसी अपने को खोते हैं तब हमें एहसास होता है कि लाइफ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार फ्रेंड्स जितना हो सके हेल्प करो। सो फ्रेंड्स ये जो व्लॉग है ये कार्डियोलॉजी के ऊपर है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल कानपुर के ऊपर, और ये वीडियो आप लास्ट तक की देखना। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि जिसमें हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं और हमारे जो मिनिस्टर लोग हैं, जैसे हमारे हेल्थ हेल्थ रिलेटेड मिनिस्टर हैं या और जितने भी हाई पोस्ट पे लोग हैं, तो मैं बस उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप लोग जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में आप लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, वैसे हम लोग की छोटी सिटीज़ में भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में, क्योंकि जब तक हम लोग किसी अपने को लेके बड़ी सिटी पहुँचते हैं काफ़ी लेट हो चुका होता है और हम किसी अपने को खो देते हैं। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे छोटे छोटे गाँव में और हमारे उन्नाव सिटी में आप अच्छी मशीनें प्रोवाइड करवा दीजिए, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दीजिए, जिसकी वजह से हम किसी अपने की जान ना जा सके सर, हम लोगों किसी अपने की सर। तो मैं इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और फिर मैं लास्ट में आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ घर के बाहर, और क्योंकि लेट भी हो चुका है और निकलना तो 6 बजे था मगर निकल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि माम को भी दिखाना है और उनके सुबह मैं नेबुलाइज करने लगा क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग गंगा बैराइज की रोड पे, और यार मैं घर से जल्दी निकला, मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाया, मैंने फ्यूलिंग कराई जल्दी से अपनी स्कूटी में और मैं वहाँ से निकला और मैं गंगा बैराइज की रोड पे हूँ। यार फ्रेंड्स चलते हैं जल्दी से और कार्डियोलॉजी पहुँच के फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। फाइनली यार हम लोग कार्डियोलॉजी पहुँच गए और यार यहाँ का सीन देख के यार दिमाग सुबह सुबह ख़राब हो गया है, क्योंकि अभी तुम लोग भी देखोगे तो तुमको भी लगेगा कि यार यहाँ सुबह सुबह जल्दी क्यों आना चाहिए 6 बजे के आसपास। और देखो यार ये पार्किंग वगैरह में गाड़ी लगा दिया है एज यूजुअल, क्योंकि पार्किंग यार बेस्ट होता है, कहीं भी गाड़ी लगाओ सेफ रहती है। तो ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यार ये लग गए और देखो ये कार्डियोलॉजी पूरा बनना है, देखो सामने लिखा भी है बड़ा बड़ा, ये देखो हृदय हृदय रोग संस्था, और सामने यार ये इमरजेंसी सेमी इमरजेंसी है, देखो यार लिटरली बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है ना, देख रहे हो बहुत ज़्यादा रश है। और मॉम जी कह रही थी फाइल निकाल लो बाइक स्कूटी से, तो यार अभी निकालेंगे और रश बहुत ज़्यादा है, सामने रोड है और ये मेट्रो का काम चल रहा है। सो फाइनली फ्रेंड्स अभी मॉम को उधर बैठा दिया, और इस कार्डियोलॉजी से यार बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 2019 में 15 जनवरी को मेरे फादर की डेथ यहीं पे हुई थी, 2 हार्ट अटैक उनको घर पे पड़े थे, उसके बाद जब मैंने उनको यहाँ पे एडमिट कराया तो 3-4 दिन के बाद उनको फिर से अटैक यहीं पे पड़ गया था और मैंने अपने फादर को खो दिया था। तो यार बहुत ही मतलब सीरियस इशू है। और सेकंड थिंग ये कि जो मेरी मम्मी है वो 2015 में एक्सपायर कर गई थी, 11 मार्च को उनको लिवर कैंसर हो गया था, तो वो इसी के जस्ट अपोजिट जीएल रोदगी हॉस्पिटल है तो वहाँ पे एडमिट थी, और पापा इस साइड में। तो यार ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन यार मुझे बहुत ही ख़राब लगते हैं यहाँ पर आना, और मैं यार जल्दी मैं यहाँ पर यार आता नहीं हूँ कार्डियोलॉजी, क्योंकि यार मुझे फिर से सब चीज़ें वही रिमाइंड हो जाती, क्योंकि ये जो पीछे चैम्बर आप मेरे देख सकते हैं शीशे का, मेरे फादर को यहीं पे लाया गया था और जो नेक्स्ट अपोजिट बिल्डिंग है वहाँ पे उनको एडमिट किया गया था। तो यार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यहाँ पे आना यार, तो जल्दी से पर्चा बन जाए तो फिर दिखाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो यार आई होप तो देखो क्या होता है बाकी। फ्रेंड सामने देख रहे हो किस तरीके का क्राइटेरिया है, एक लेडीज़ की लाइन है एक जेंट्स की लाइन है, मैं जेंट्स की लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है। और यार सबसे बड़ा इशू ये कि यार देखो हर आदमी प्रॉब्लम में है, तो यार उसको देखते हुए आप जल्दी पर्चे बनाना चाहिए, मगर यार ये लोग उतना लेट कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी किस मजबूरी में आदमी आया हो यहाँ पे। तो यार थोड़ा सा इस चीज़ का कार्डियोलॉजी में ख्याल रखना चाहिए।
जैसे पहला था वैसा मुझे अब नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं 2004 से आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा की क्या कहते हैं उसको, हर्ट की सर्जरी यहीं पे हुई थी, बाईपास एंजियोग्राफी वगैरह और हर्ट की सर्जरी। और मेरे फादर 2019 में, जैसा मैंने पहले बताया, एक्सपायर हुए थे यहीं पे ड्यू टू हार्ट अटैक। यार देखो यार, बहुत ज़्यादा रश है, लोग खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। और यार बस यही दुआ है भैया, सब लोग सही रहो। और यार इस चीज़ को यार मैं दिखाना चाहता हूँ, मोस्टली अगर कार्डियोलॉजी वाले अगर कोई देख रहे हैं तो यार भाई यार इसको सॉर्ट आउट करो यार, ये प्रॉब्लम इतना जो रश तुम लोग लगाते हो ना, तो ये मत करो यार। यार साला देख रहे हो सुबह 10 बजे झाड़ू लग रही है, बताओ यार। यहाँ पे पेशेंट्स वगैरह बैठे हैं, देखो ये बच्चा बैठा है, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और यार ये झाड़ू लगने का टाइम नहीं है यार सुबह की, आप 10 बजे आके झाड़ू लगाओ यार, पेशेंट्स को तकलीफ होती है यार। देख रहे हो कितनी गर्दा उड़ रही, डस्ट उड़ रही है यार। और ऐसे यार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, और हार्ट पेशेंट को तो और ज़्यादा गर्दा धूल गर्दे से प्रॉब्लम होती है यार। साला इस तरीके का यार चूतियापा मेरे नहीं समझ में आता यार। देखो यार कैसे गर्दा उड़ा रहे हैं यार, बेवकूफ़ी वाले काम है सुबह 10 बजे आके यार। इसको यार जल्दी आना चाहिए यार, सुबह सुबह 10 बजे तक। फाइनली फ्रेंड्स पर्चे बन चुके हैं, अब हम जाएंगे अंदर दिखाने, तो यार अभी चलते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं लाइन में लग जाऊँगा, फिर दोबारा लाइन में लगना है, क्योंकि ये पर्चे अभी वो गार्ड कलेक्ट करेगा, उसके बाद ही अंदर जाएंगे, फिर वहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट वगैरह वो करेंगे आपस में। डॉक्टर ओम जी बोले तो मेरी मम्मी की जो सिस्टर हैं उनका है, तो मेरी जो खाला है मैं उनको माई बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है यार चलो। सो फ्रेंड्स देखो ये मॉम जी का टोकन नंबर जो है वो 85 है, क्योंकि मॉम जी लेडीज़ लाइन में लगी थी तो उनका जल्दी बन गया, और हम लोग लगे थे मेल में, तो मेरा टोकन नंबर है 199। क्राइटेरिया देखो, एक जेंट्स की लाइन है, एक ये लेडीज़ की लाइन है, तो 7 पर्चे लेडीज़ से ले रहा गार्ड, 7 पर्चे फिर जेंट्स से ले रहा है, फिर जा रहा है। और आदमी पीछे जो परेशान हो रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। तो पहले यार ये पर्चे बनवाने के लिए लाइन में लगो, उसके बाद दिखाने के लिए लाइन में लगो, ये सही है। आदमी परेशान हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कार्डियोलॉजी है, और कार्डियोलॉजी के बाहर ये इन्होंने रोटी बैंक बनाया हुआ है, जहाँ पे ये लोग फ्री में खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये लोग हैं पीछे। और ये अच्छी चीज़ है यार, मतलब गरीबों को या जिनके पास खाना नहीं है, फूड नहीं है, वो यहाँ पे खाना ले सकते हैं, रोटी बैंक है, काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए ये मेट्रो का काम भी चल रहा है, और ये सामने कार्डियोलॉजी में रश बहुत है। अभी मेरा नंबर नहीं आया यार, तो मैं जा रहा हूँ वाटर लेने के लिए, मुझे प्यास बहुत तेज लग रही है। सो फाइनली पर्चा सबमिट हो गया, अब हम अंदर आ चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हो बैक का रास्ता है, और ये भी है, ये सब चैम्बर्स है, देखो फ्रेंड्स देख रहे हो ना। तो अभी हम लोग जाएंगे, ये सामने ये रूम है ओपीडी का, तो इसके अंदर हम लोगों को जाना है और अपना चेकअप कराना है, क्योंकि हम जिस डॉक्टर को दिखाने आए थे वो डॉक्टर है नहीं, वो 15 दिन की छुट्टी पे हैं। तो चलो अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फाइनली यार देखो अभी हम लोग चैम्बर के अंदर हैं, और यहाँ पे बीपी वगैरह चेक हो रहा है, और साथ में जो डॉक्टर की टीम है वो बैठी हुई है, तो दिखाते हैं चलो। तो ये देख सकते हो ये बीपी वगैरह पहले चेक होता है, पर्चे लगे हुए हैं, बीपी चेक होने के बाद वो सामने टीम है डॉक्टर की, तो ये डॉक्टर साहब सब चेक करते हैं, ठीक है। अब सब पेशेंट्स की देखिए भीड़ है, सब मास्क लगाए हुए हैं, तो पहले बीपी चेक होगा, उसके बाद ही कुछ होगा, आवाज़ देंगे। यार फाइनली फ्रेंड्स डॉक्टर को दिखा लिया, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो पहले मैं मेडिसिंस ले लेता हूँ जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी है स्टोर से। यार आदमी के साथ एक पल में क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता, आई विश अंकल सही हो जाएं जल्दी। और यार उनकी तबीयत यार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो यार दुआ करो। यार थोड़ी देर में यार हम लोग जा रहे थे, और कहाँ से क्या यार सीन बन गया, कुछ समझ में नहीं आया। और यार कोई भी मतलब मूवमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ा, कि कहा जाए यार कोई मूवमेंट के लिए आगे बढ़े। तो जब मैंने आवाज़ दी तो 3-4 लोग आए, फिर साथ में हम लोगों ने उनको उठाया। सो फ्रेंड्स लास्ट का कुछ सीन मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि उसमें एक अंकल की डेथ हो जाती है, उनको उनकी फैमिली के मेंबर्स लेके आते हैं, वो कार पे होते हैं, बट यार उनको कोई मतलब उतारने के लिए नहीं आता। और यार ये सीन बहुत ख़राब लगता है यार, कि यार कोई मजबूर इंसान है तो यार उसकी हेल्प कर दो भाई, यार ऐसा मत किया करो यार, दो हाथ लगवाने में यार किसी का कुछ घट नहीं जाता है भाई। और वहाँ पे जितना भी स्टाफ है सर, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी गार्ड्स वगैरह, सर आप लोग प्लीज़ हेल्प कर
दिया करो आगे बढ़ के सर, ऐसे खड़े मत रहा करो सर, बहुत लिटरली खराब लगता है। और पहले के टाइम से, अब मैं आपकी कार्डियोलॉजी गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं बात करूँ फैसिलिटीज कार्डियोलॉजी की और डॉक्टर्स के बारे में, तो वन ऑफ द बेस्ट है, इससे अच्छा नहीं हो सकता है मेरी नॉलेज में कानपुर के अंदर, क्योंकि ये सबसे बड़ा हर्ट का है और डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, मशीन्स हैं, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, मतलब हैंड टू हैंड आप लिए जाओगे। बट ये जो फैमिली किसी की आती है, मतलब उतरती है यार गाड़ी से, तो उसमें भाई हाथ लगवा लिया करो यार, उनको स्ट्रेचर से मत दे दिया करो कि यार ये लो आप स्ट्रेचर और लेके जाओ, आप लेके आओ, ऐसा नहीं करो, मतलब आप लोग हाथ लगवा लो यार, किसी की भी फैमिली हो यार। और भाई वहां पे कितने लोग यार खड़े होकर तमाशा देख रहे थे यार, कि कोई भी आगे नहीं बढ़ा, जब मैंने दो चार बातें चिल्ला के बोली तब इंसान आगे आता है यार, हाथ लगवाता है, तो ये चीज गलत है, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। आज उनके साथ है तो कल यार हम लोगों के साथ भी हो सकता है, और यार मेरे साथ ऑलरेडी हुआ, जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मेरे फादर रात में 2 बजे एक्सपायर हुए थे 15 जनवरी को, और आप यकीन मानो उनको चैम्बर से आईसीसीयू से निकाल के डायरेक्ट उनको रोड के ऊपर छोड़ दिया था, जहां पे मैं खड़ा था उनको रोड के ऊपर स्ट्रेचर पे छोड़ दिया था यार, बहुत गलत सीन है, मतलब 2019 की बात है, अभी जल्दी में मेरे फादर को रोड के ऊपर 2 बजे छोड़ दिया था और मैं रो रहा था। तो यार ऐसा मत करो यार, किसी की भी फैमिली हो, मेरे साथ हुआ है तो मुझे रियलाइज होता है वो चीज़, और मैंने वो मंजर उस दिन देखा अपने सामने, तो बस यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज हेल्प कर दिया करो एक दूसरे की, और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं हेल्थ केयर से, सर मैं आपसे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दो हमारे उन्नाव में या छोटे छोटे गांव वगैरह में, जिसमें लोगों को मतलब किसी को अपने को खोना ना पड़े, मतलब वो जितनी देर आदमी जाने में लगाते हो उतनी देर में क्या से क्या हो जाता है, ये तो क्या बोले, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सर अगर आप लोग देख रहे हो तो सर प्लीज़ मतलब कॉपरेट कर दीजिए सर, हम लोग तो आप ही के सहारे पे हैं सर, आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में हेल्प कर देते हो सर, हमारे छोटे से सिटीज़ वगैरह में, गाँव में और उन्नाव वगैरह में भी ये फैसिलिटीज सर प्रोवाइड कर दें, और जितने भी मेरे मतलब मेरी जान पहचान के जो कोई भी ये व्लॉग देख रहा, तो भाई प्लीज़ यार हेल्प कर दिया करो यार, किसी की कुछ चला नहीं जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मेरी बात आगे तक पहुंचाना। थैंक यू सो मच।